क्वेश्चन नंबर 108 में बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी जो है वो राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉमन है बीसी, बीडी एंड एसी को इंटरसेक्ट कराया है पी पे, जब आगे बढ़ाया तो ऑब्वियसली पीए का वैल्यू 8 है, पीसी का वैल्यू 4 है एंड पीडी का वैल्यू 3.2 है, तो हमें बताना है बीडी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे जो है हमें दो राइट ट्रायंगल बनाना है, दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉमन है। चलिए बना लेते हैं, ये है अपना ए, ये नहीं हाइपोटेन्यूस बी सी है ना, बी ए सी हो गया। एक और ट्रायंगल बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल दूसरा बना लिया, इसका नाम क्या है बी डी सी। फिर क्या बोलता है देख लीजिए कि बी डी एंड ए सी को हमें एक्सटेंड करना है, तो बी डी को और ए सी को एक्सटेंड कर लेते हैं, बी डी को नहीं, हाँ जी बी डी एंड ए सी ना, ए सी इधर गया बी डी इधर गया, दोनों जाके कहाँ पे मिलता है पी पे मिलता है। कूल, पी ए का वैल्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक है 8, पी सी का वैल्यू 4 है तो ए सी भी 4 बन जाएगा, और पी डी का वैल्यू है 3.2, ये भी सही 3.2। निकालना क्या है हमें, हमें बी डी का वैल्यू चाहिए, तो हमें बताना है कि भैया ये वैल्यू कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो दो ट्रायंगल सिमिलर आपको दिखेगा, कौन कौन सा, एंगल पी जो है वो क्या है कॉमन है, और इधर एक एंगल है 90 डिग्री, है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल बी, चलिए पी से स्टार्ट करते हैं, पी ए बी जो है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल पी एंगल एक और में कॉमन है, ए पे 90 डिग्री था, डी पे 90 डिग्री है, बी के लिए बच जाएगा फिर सी। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुआ साइड का रेशियो सेम हो जाएगा, मतलब पी ए बाई पी डी जो है ना, यहाँ पे डी है ध्यान रहे, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी ए, तो फिर ए बी, ए बी लिख लेते हैं या फिर पी बी लिख लेते हैं, पी बी लिखेंगे तो यहाँ पे पी सी आ जाएगा, हमें क्या क्या चाहिए, हमें बी डी चाहिए ना, तो इससे तो काम हो ही जाएगा। पी ए का वैल्यू कितना है 8, पी डी का वैल्यू कितना है 3.2, पी बी का वैल्यू कितना है नहीं पता, यही तो चाहिए, और पी सी का वैल्यू है 4, तो 8 से 0.4 टाइम्स में चला गया तो पी बी का वैल्यू आ गया है 10। अगर दोस्त पी बी का वैल्यू यहाँ से यहाँ 10 है, पी डी का वैल्यू 3.2 है, तो बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं भाई 6.8 आ रहा है, ऑप्शन है तो देख लो किधर गया अरे, हाँ जी 6.8 तो दिख गया ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होगी, और यहाँ पर हमने बस सिमिलर ट्रायंगल का। तो अगर ये वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुँचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सारे बेस्ट पीवाईक्यू का सलूशन मिलेगा आपको डिटेल में, और अगर हम यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो उठाएंगे बेसिक से लेके जाएंगे टॉप तक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सलूशन के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।